नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं अभी नांगलोई चौक पर और आप देख पा रहे हैं नांगलोई चौक के हालात। नांगलोई चौक पर कुछ दिनों के तनाव के बाद लोग वापस पुराने ढर्रे पे आ गए हैं। गाड़ियां फिर वैसे ही अस्त व्यस्त बिना नियमों के चल रही हैं। साथ ही साथ आप यह भी देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ किसी नियम का पालन नहीं करता। कोई भी रिक्शा बीच में घुस जाता है, कोई चलते सड़क के बीच में वाहनों के बीच में से रोड पार करने को मजबूर है। आपने देखा अभी अभी बस के आगे से मोटरसाइकिल ने पार किया। इस मोड़ पर और साथ ही यहाँ के आसपास अतिक्रमण की वजह से ऐसे हालात लगातार बने रहते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि ई रिक्शा कैसे यहाँ जाम लगा के खड़े हैं, किस तरह पूरे चौक पर अतिक्रमण किया हुआ है, लोगों के आने जाने को बिल्कुल रास्ता नहीं है। साथ ही आप यह भी देख रहे हैं कि हम अभी सड़क के किनारे चल रहे हैं। यह नांगलोई में सड़क के किनारे का सर्विस रोड है, यहाँ से लोग आते जाते हैं और वहाँ पर रेहड़ी, मोटरसाइकिल, कार, इस तरह की चीज़ें खड़ी करके अतिक्रमण किया हुआ। इस अतिक्रमण के विरोध में अभी कुछ दिनों पहले भी धरना हुआ था और प्रदर्शन हुआ था। बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही इस हद तक है कि 3 दिन तक यहां पर CRPF लगानी पड़ी थी, तब जाके हालात काबू हुए थे। आज पुनः हालात जस के तस हैं। इसका जिम्मेदार कौन है और विभाग कब तक ऐसी लापरवाही बरतता रहेगा, यह देखने वाली बात है। आगे भी अभी हम चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जहां तक हम जा रहे हैं वहां हर जगह यही हालात है। गाड़ियां इधर उधर खड़ी हैं, इनके आगे ई रिक्शा, रेड़ी, ऑटो ऐसे ही बिना किसी नियम के खड़े हैं। कोई कहीं घुस जाता है, ये देखिए एक ई रिक्शा रॉन्ग साइड से आ रहा है। अब आप ये बताएं कि यहाँ जाम नहीं लगेगा तो क्या होगा। मोटरसाइकिल बीच में आड़ी करके खड़ी गई है, ई रिक्शा बिल्कुल रेड़ी से सटा हुआ है और रेड़ियाँ बिल्कुल सड़क के किनारे सटी हुई हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह देखने की बात है।